नमस्कार मैं निर्षाद अली और आप देख रहे हैं यूपी छत्ता न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक परिजनों को बेहोश कर प्रेमिका प्रेमी के साथ फरार नकदी व जेवरात लेकर प्रेमी प्रेमिका हुए नौ दो ग्यारह किशोरी ने खुद नशीली चाय पिलाकर घर वालों को किया बेहोश किशोरी के परिजनों ने लगाया किशोर व उसके परिजनों पर आरोप तो दोस्तों खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस खबर को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और देखते रहें यूपी चत्तर न्यूज रहीमन प्रीत सहरिये मिले होत संग दून ज्यों जर्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून अर्थात जब प्रेम अत्याधिक बढ़ जाए तो उसकी सराहना करनी चाहिए जब हल्दी और चूना मिलते हैं तब एक तीसरा ज्यादा तेज रंग बन जाता है ये दोहा इसलिए बताया है कि ये खबर ही कुछ ऐसी है कि परिजनों को बेहोश कर नगदी व जेवरात लेकर किशोरी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई दरअसल थाना कमालगंज में मोहल्ला प्रताप नगर निवासी राम जी ने मोहल्ला जवाहर नगर निवासी यूसुफ व उसके पूरे परिवार के खिलाफ बेटी के फरार होने के बाद अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है रिपोर्ट के अनुसार 30 जनवरी रात नौ बजे यूसुफ राम जी गुप्ता के घर से फर्नीचर का काम सामान लेने गया था वहाँ यूसुफ के पिता फर्नीचर बना रहे थे राम जी के घर पर माँ बाप व बहन मौजूद थे बहन कुंवारी माया रसोई में चाय बनाने गई तभी यूसुफ ने माया को एक पुड़िया दी माया ने पुड़िया चाय में मिला दी एवं वह नशीली चाय माँ बाप बा बहनों एवं राम जी ने खूब चुस्की मार मार कर पी चाय पीते ही सब बेहोश हो गए जिनको दूसरे दिन होश आया उसी दौरान किशोरी घर से चालीस हजार रुपये व जेवरात लेकर प्रेमी के संग फरार हो गई राम जी ने दर्ज कराई रिपोर्ट के में अनुमान लगाया कि उसकी बहन को यूसुफ भगा ले गया राम जी ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को यूसुफ भगा कर ले गया माया को भगाने में यूसुफ के परिजन भी शामिल हैं इसलिए रिपोर्ट में परिजनों के नाम भी लिखवा दिए खैर बेहोश परिजनों को सीएससी ले जाया गया वहां से उन्हें रेफर कर दिया गया तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस खबर को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और देखते रहें यूपी छत्तर न्यूज़ फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और ख़बर के साथ तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली जय हिंद